हाँ तो मैं जनाब एजाज मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाकर अपने खाला सबसे पहले तो मैं मुहतरमा महबूबा मुफ्ती जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उसके बाद हाजी अनायत साहब का कि मुझे मौका मिला कारगिल आने का। ये पहली दफा है कि मैं अपनी जिंदगी में कारगिल आया हूँ और वाकई में कारगिल बहुत खूबसूरत जगह है और उससे ज्यादा यहाँ के लोग। जब से मैं कल यहाँ आया हूँ मेहमान नवाजी लोगों का बोलचाल दिल को भा गया अल्लाह की कसम। मैं अपने कलीग से बात कर रहा था मैंने कहा इतने सादे लोग इतने मेहमान नवाज मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में किसी और जगह होंगे। आप सबको पता है कि रियासत में हमारी सरकार थी जो कि कुछ दिनों पहले नहीं रही लेकिन हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी का हमेशा ये था कि रियासत के तीनों खितों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक समान तरक्की हो। जितने भी तामीर और तरक्की को जो काम थे वो एक समा हो और तीनों रीजन एक समा डेवलप हो। मैं बहुत सारे लोगों के तकरीर सुन रहा था जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैगमाइजेशन शायद ही कभी इतनी हुई है जितने पिछले साढ़े तीन सालों में हुई हो, चाहे वो हाई स्कूल्स को अपग्रेड करना हो या जोजिला टनल हो। हमारे क्लाइंट मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिनकी अवलीन तवज्जो थी कि जो कारगिल है इसके और ज्यादा तवज्जो थे क्योंकि ये पसमानदा है कारगिल, यहाँ के लोग पसमानदा है लिहाजा यहाँ तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद महबूबा जी ने बिल्कुल वही उन्हीं रक्षक कदमों पर चलते हुए यहाँ जो तामीर और तरक्की करने का जो काम थे उनको आगे लिया। हमारी पार्टी ने जब हाजी अनायत साहब को यहाँ से पार्टी टिकट दिया बदकिस्मती से वो कुछ वोटों से हार गए लेकिन हमारे कायद ने कहा कि जिला कारगिल के लिए हमें नुमाइंदा जरूरी रखना है। एक तो उसको एमएलसी बनाया उसके बाद काउंसिल का चेयरमैन ये कोई छोटी बात नहीं है। कारगिल के लोगों के लिए ये सबसे बड़े एहसास की बात है यहाँ से चेयरमैन मुंतखब करना ये छोटी बात नहीं है। शायद यह उसी कड़ी का एक पस मंजर था कि कारगिल को तामीर और तरक्की के नक्शे पे कैसे लिया जाए। हाजी अनायत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसा कि आप सब लोगों ने अपनी तकरीरों में कहा और मुझे लगा था कि मैं शायद अपनी पार्टी पीडीपी की पॉलिसीज जो मंशूर है वो यहाँ पे कहूंगा लेकिन हाजी अकबर साहब और हाजी मोहम्मद हुसैन साहब की तकरीरें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ही यहाँ आके बैठना चाहिए और सीखना चाहिए इनसे कि पीडीपी का मंशूर क्या है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से एजाज साहब ने पार्टी की पॉलिसी और जो मुफ्ती साहब ने यहाँ कारगिल में काम करने शुरू किया था जिस वक्त एजाज साहब ने वादा किया मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ रहा। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कारगिल आने के बाद हमें यह समझ आया है कि कारगिल में आम आदमी कितने मुश्किलात से जुड़ रहा है। हमारी तंजीम ने कारगिल के लिए क्या क्या किया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे मगर कारगिल के इस आम आदमी के ऊपर रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्या क्या तकलीफें झेलता है ये हमें नहीं पता था। इन तकलीफों में फर्क आया है इनमें कमी आई है या हाजी साहब ने जिस वक्त इलेक्शन लड़ा एजाज साहब ने ठीक तरीके से फरमाया कि बहुत ही कुछ वोटों से इन्होंने हारा। हर एक ने बोला कि मुफ्ती साहब ने कारगिल के साथ क्या किया। अगर मुफ्ती साहब साउथ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर जम्मू की बात करते हैं तो लद्दाख कारगिल ले इस खिते को क्यों भूल जाते हैं खासकर बिलखसूस कारगिल खिते को। सबसे पहले हाजी साहब को चेयरमैन बनाया उन्होंने मुफ्ती साहब ने। आज हम देख रहे हैं
कि कोई मंत्री नहीं बचा है, कोई मंत्री नहीं है, मगर अगर मंत्री का स्टेटस किसी को बरकरार है तो आपके करगिल को हाजी साहब को। हाजी साहब जिस वक्त हाउस में बैठते हैं, अगर आप कभी देखेंगे तो बड़े से बड़ा जो भी सीनियर पॉलिटिशियन होगा या लीडर होगा, अगर सीएम साहब खुद महबूबा मुफ्ती भी, अगर हाजी साहब चाहें तो उनको भी नीचे बिठा सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन का ओहदा वो होता है, चेयरमैन का ओहदा वो होता है कि वो पूरे अपर हाउस में एक किस्म से कंट्रोल करता है। वो हमारे यहाँ चेयरमैन साहब को मुफ्ती साहब ने वो दिया है हाजी साहब। यहाँ जिस तरीके से बाकी पिछड़े इलाकों में डिमांड रहती है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यहाँ अगर डिमांड किसी चीज की होगी तो रोड सेक्टर में होगी। हाजी साहब ने जितना मैंने कल से करगिल देखा, चाहे वो करगिल मेन टाउन हो, वो खरुला हो, वो दराज का साइड हो, या कल शाम को हमें हाजी साहब के फर्जन शुरू साइड ले गए थे, तो मुझे नहीं लगा कि किसी भी तरीके से कि मैं किसी पिछड़े इलाके में आया। रोड कनेक्टिविटी जो करगिल में पिछले 3 साल में कायम की गई है, हाजी साहब ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो काबिले तारीफ है। अगर मैं हाजी साहब की जगह होता, माफ कीजिएगा हाजी साहब को क्या यहाँ बड़े प्यार से बुलाते हैं, कायनायत, कायनायत साहब की जगह होता तो मैं इनको लाता ही नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि जितना काम इधर हुआ है, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम बाजी को पकड़ेंगे, मेहबूबा जी को पकड़ेंगे और बोलेंगे करगिल के साथ इतना लगाव क्यों, हमारे साथ क्या है। अगर करगिल को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दिया है तो हमें 50 दीजिए। छह अरब रुपया सिर्फ रोड सेक्टर के लिए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ है, ये बिल्कुल बात सही है कि यहाँ इस वक्त आपका एक एमएलए है जो कांग्रेस के हैं, करबलाई साहब, मगर आप खुद जानते हैं ये जो काम है ये कौन करा रहे हैं। जो मुफ्ती साहब का सपना था, जो उनका विजन था कि करगिल से हम एक ऐसे आदमी को आगे करेंगे जो पूरे इस डिविजन की बात करेगा, पूरे इस खिते की बात करेगा, आज हमें लगता है कि हाजी साहब में वो काबिलियत है। पहली बार मेरे ख्याल से करगिल में पीडीपी के झंडे के तले इतने लोग आए होंगे, और इसका अगर फ्री में कोई हकदार है, हाजी साहब का काम करना है ब्रिज लाना रोड लाना, मगर इसका सही में कोई हकदार है तो वो ग्राउंड लेवल का वर्कर है। जिस तरीके से आपने बाकी पार्टी के लोगों को अपनी तरफ खींचा, उनको मुतासिर किया, मैं समझता हूँ इस ज्वाइनिंग के सबसे बड़े हकदार अगर कोई है तो पीडीपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट, पीडीपी का हल्के प्रेसिडेंट, पीडीपी का वो छोटा सा छोटा वर्कर है जिसने हाजी साहब के हाथ में छोड़ दिया है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप लोगों का यहाँ पर आज के इस फंक्शन में आने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे कहने पर छोटे से मतलब कम वक्त में जो है आप लोगों ने इतनी तादाद में यहाँ आना, यह हमारे लिए बड़ी बात है। और मैं अपने मेहमान अजीजान जितने भी सिले से तशरीफ लाए हैं उनका भी मशहूर हूँ। सर मैं अफसोस भी करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कुछ बुजुर्ग लीडर थे जो हमारे सीनियर हमारे विलेज थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, वो आने को तैयार भी था। पहले प्रोग्राम हमारा बहुत सारे बुजुर्ग हमारे सियासतदान पीडीपी के उनका था, जिसमें हमारे नईम अख्तर साहब थे, और उनको जब शाम को प्रोग्राम आ गया तो जब मैं उनको बुलाने गया तो उनका सेहत ठीक नहीं था तो आ नहीं पाया वो। उसके बाद मेरे साथ का भाई था तो उनको अपनी मजबूरी थी, उनको अपने गांव से पहुंचा नहीं था, सिर्फ उनका मैसेज पहुंच नहीं पाया। बशार साहब का आपको पता है रिसेंटली उनका भाई का इंतकाल हो गया, उस वजह से आ नहीं पाया। हमारे अफ्ताब बखारी साहब का कुछ दिन पहले ही उनकी मदर का डेथ हो गया तो इसे वो आ नहीं पाया। तो इस सिलसिले में हम आप लोगों के पास हमारे सीनियर हमारे एमएलए नहीं आ पाए तो उन्होंने हमको मैसेज भेजा, बाजी ने भी मुझे कहा था कि आप लोग तक भी मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए वो जरूर आएंगे। बाजी खुद सबको लेके आएंगे, जितने भी हमारे लीडर साहबान है किसी नगर में कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जिनके बारे में यहाँ पर हमारे अपोजिशन जो है अजीब की बातें बोल रहे हैं, अजीब अजीब की उनकी अफवाहें उड़ा रहा है,
उन सब को लेके उनके मुंह पे तमाचा लगाएंगे, ये उन्होंने मुझसे वादा किया इंशाल्लाह। सिर्फ हमारे कौम की तरफ जो हमारे मुकाम जो कौम को जो तरक्की दे सकता है इंशाल्लाह वो हमारा हाजी अहमद साहब है। तो हमने पहले ही वादा किया था दो लोग ने हमारे चीजों और जुनून ने इसको अगर हम कुछ भी नहीं थे तो हमने हाजी अहमद साहब का भी सपोर्ट किया, जबरदस्त सपोर्ट किया इंशा इस वक्त की वजह से हमारा 12,000 वोट उनको मिल रहे जो कहिए मैं हमारे इस वक्त और जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 24-25,000 वोट मिलते थे उनको पार्टी हाजी साहब की वजह से और हमारे नती कोशिश की वजह से उनको सिर्फ 7,000 वोट मिल गए। तो इस वक्त हमें तो अपील की निशान नहीं था, आप पीडीपी ने हाजी अंदर की वजह से हमने इनका तकलीफ किया है। अब यहाँ पर जहाँ भी जाए हम पीडीपी की ये हुकूमत हमारे लोगों के ख्यालों में नजरों में है इंशाल्लाह हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे कि उस वक्त में जब पूरा रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क ये कह रहा था कि आने वाले वजीर आला रियासत जम्मू कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, ये इलेक्शन 2014 की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त करगिल जिला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हाजी अनायत साहब के बदले कांग्रेस को वोट डाल के कांग्रेस का एमएलए चुना। इसका मतलब न सिर्फ पीडीपी के कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया बल्कि वजीर आला को भी, जो वजीर आला बनने वाले थे और सबको मालूम था वजीर आला बनने वाले हैं, उनको भी रिजेक्ट किया। तो अगर कॉमन सर्कमस्टांसेस में देखें कोई भी जमात हो वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को मेरी जरूरत नहीं मुझे उन लोगों से क्या वाबस्तगी। लेकिन उस मरहूम की दूरदेशी देखिए, उनकी मोहब्बत उनकी लगन इस दूर दराज इलाके से देखिए कि तब भी हाजी अनायत साहब को न सिर्फ अपर हाउस का मेंबर बनाया बल्कि एक ऐसा मकाम फराहम किया कि आज वो एमएलए भी घर पे बैठ के, वो मिनिस्टर भी घर पे बैठ के हैं और हाजी अनायत साहब आज भी पावरफुल हुकूमत नहीं है लेकिन करगिल पावरफुल है। हुकूमत नहीं रहेगी, इलेक्शन भी होंगे लेकिन हाजी साहब तब भी चेयरमैन होंगे। इससे ज्यादा ताकत रियासत जम्मू कश्मीर में किसी खिता में किसी असेंबली हमसे में नहीं। ये दूरदेशी है उस लीडर की, ये वक्त है उस वक्त को जब उन्होंने ये फैसला लिया तो बहुत सारे जमात में बहुत सारे लीडरान ने ये सवाल किया कि जनाब करगिल से क्या पता इस बार हाजी अनायत साहब कुछ वोट लेके आए हैं, बिजनेसमैन है, मेहनत कर पाए ना कर पाए। लेकिन वो हाजी अनायत साहब जो चेयरमैन, जिस चेयरमैन की कुर्सी पर फाइज है, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां पे जब पिछली बार जब जो चेयरमैन बने हैं आज तक, जब वो गाड़ी से उतरते थे तो उनके पीएसओ उनके लिए सीढ़ी रखते थे कि कदम ज्यादा जोर से ना पड़े। और आज हम उसी चेयरमैन साहब को जब आपके बीच में बैठकर काम करते हुए देखते हैं तो फख्र महसूस होता है। जहां तक करगिल की बात है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस हुकूमत ने यहां के लिए क्या किया, वो मेरे जो साथी यहाँ पे बोल चुके हैं और जो यहाँ पे करगिल के हमारे नुमाइंदे बोल चुके हैं, मैं उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जमात ने जो करना था वो कर लिया, हाजी साहब दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप उस जमात को कुछ यहां से भी दें। जहां तक आज हर जगह मेरे साथी यावर साहब ने भी इस पे बात की, एजाज साहब ने भी बोला और हमारी पार्टी में सबसे अच्छे मुकर्रर खुर्शीद आलम साहब जब ये बोलते हैं तो हम सब हाथ पे हाथ रख के इनको सुनते हैं, वो इन पे इस पे बात करेंगे। मैं मुख्तसर कुछ बातें करूंगा कि आजकल बहुत हवा चल रही है,
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी के साथ हुकूमत क्यों बनाई, हुकूमत बनाने की वजह क्या थी, वो सभी आवाम को पता है। वो नजरिया क्या था, वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को पता है। और आज पूरे देश में जो कल तक हमारे साथ हुकूमत कर रहे थे, वो जगह जगह जाके बताते हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत में आकर भी जो अपना नजरिया कश्मीर और कश्मीर के आवाम के लिए है, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए है, हुकूमत में आकर भी वो नजरिया नहीं छोड़ा। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। हालांकि यहाँ पे होता यह है कि अपोजिशन में एक बात कही जाती है और हुकूमत जब मिलती है तो हुकूमत में दूसरी बात की जाती है। यही वजह है कि महबूबा जी ने कोई भी बात जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर या इलेक्शन से पहले लोगों से की, इलेक्शन के बाद भी, हुकूमत संभालने के बाद भी, उन बेसिक उसूलों के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमें यह बताया जाता था कि आप कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, यहां पर अमन की फिजा कायम करेंगे, ना आपने कुछ किया, ना आपने जिन मोदी साहब से हाथ मिलाया उन्होंने कुछ किया। लेकिन आज वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मल्होत्रा साहब कल ये बयान देते हैं कि मैं 100 इख्तलाफ रख सकता हूं नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन जो उन्होंने कोशिशें पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और अमन फिजा कायम करने के लिए की, उस पर मुझे भी कोई शक नहीं। आज आपके मुखालिफिन भी ये मानते हैं कि आपने वो कोशिशें की जिसकी वजह से मरकजी सरकार मजबूर हो गई कि पाकिस्तान और हुर्रियत के साथ बातचीत करे। आज आपके मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं कि आपने कश्मीर में वो इकदाम उठाए जो आज तक की सरकारें नहीं उठा पाई, ताकि लोगों के जो जो यहाँ के आवाम है उनको यहाँ की जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम है उनको फिर से अमन की फिजा जो है वो कायम हो सके। अब कुछ लोग निकले हैं, हर जमात में होता है, आया राम गया राम आपने कहावत सुनी होगी। ये लोग मफाद परस्त होते हैं, अपने मफाद के लिए किसी जमात में आते हैं और मफाद के लिए किसी जमात से जाते हैं। लेकिन दीमक छोटे मोटे पेड़ों पे लग सकता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चिनार का दरख्त है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, इस पे दीमक अगर लग जाए तो बाहर की खार भी जो है वो उतर नहीं सकती, जड़ों की तो बात ही नहीं कीजिए। दूर दराज इलाके में यहां पे सुबह से बैठे हुए हैं, ये इस बात की अक्कासी करता है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई इसको हिला नहीं सकता। लोग आते आएंगे जाएंगे, हमें उससे परवाह नहीं, वो अपना मफाद देख रहे, हम आवामी मफाद के लिए काम करेंगे। और आप देखिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जमात बनाई, लेकिन एक हदफ लेके जमात बनाई, एक विजन लेके जमात बनाई। रियासत जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके लिए डॉक्यूमेंट मुरतब किया गया, और दो बार हुकूमत बनी, दो बार इस हदफ के लिए काम किया गया, हिजबे इख्तलाफ में रहे इस हदफ पे काम किया गया। आज वो लोग पीडीपी से बाहर जाकर कहते हैं कि हम अलग जमात बनाएंगे। अलग जमात बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे जब पूछे कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, जमात अलग लेकिन एजेंडा पीडीपी का, जमात अलग लेकिन हदफ पीडीपी का, जमात अलग लेकिन हदफ पीडीपी का, सोच पीडीपी की। इसका मतलब ये कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं, एक सोच है, एक नजरिया है, एक नजरिया जो यहाँ की आवाम का नजरिया है, गरीब आवाम का, मुफलिस आवाम का नजरिया है। उस जमात के साथ तो आप धोखाबाजी कर सकते हो, लेकिन उस हदफ के साथ, उस सोच के साथ, उस जज्बात के साथ आप धोखाबाजी नहीं कर सकते। यहाँ आपके साथ में हमारा एरिया किश्तवाड़ पड़ता है, जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ, वार्ड 1 यहाँ से एक दिन के रास्ते पर है। आप उस वार्ड 1 में नहीं गए होंगे,
लेकिन महबूबा जी जो अनंतनाग जिला से ताल्लुक रखती है उस वार्ड 1 और उस मड़वा में पैदल सफर करके पहुंची है। ये सियासतदान होता है। श्रीनगर में एसी रूम में बैठ के तंज करना और इतराफ करना बहुत आसान है, रियासत के आवाम के लिए और आवाम की मफादात के लिए काम करना कोई अगर सीखना चाहे, मुझे लगता है सबसे बड़ा स्कूल जो है सियासत का जम्मू कश्मीर में वो महबूबा जी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी तकरीर के लिए मैं तकलीफ दे दूंगा ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जनाब एम खुर्शीद साहब, सर एम खुर्शीद आलम साहब, इजाज़त वाला मैं पर तशरीफ रखा अपनी ख्याल से सामने को नवाज दें। शुक्रिया। आप लोग भी थके, मैं भी अल्लाह दुआ थक गया, लेकिन मेरी जो पहचान करगिल में है अल्लाह के फजल करम से पिछले 30 साल से मेरा यहाँ पे कंटिन्यूस ताल्लुक मेरा रहा है। जो भी सरकारी मुलाजिम हैं, जो रिटायर हो गए, जो काम कर रहे हैं, मुझे जानते हैं। मैं मुर्दे दिलों से बात नहीं करता, मैं सोए हुए लोगों से भी बात नहीं करता, क्योंकि मेरा ईमान है खुदा जिंदा जिंदू का खुदा है। अगर आप सारे लोग बेदार हैं, होशियार हैं, तो मैं 2-5 मिनट में बात करूंगा। जरूर जरूर। नारे तकबीर, अल्लाह भी सुन ले, अल्लाह के हद तक तो ठीक हो गया। मैं उस आकाई नामदार के नारे को बुलंद करना चाहता हूँ जो हमारे रग पाई को जिंदा कर देता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे पंचतंत्र, नारे हैदरी, हमारा वजूद, हम सब का वजूद, आज़ाए नामदार और आज रसूल का मरहूमी मिन्नत है कि हम उम्मत रसूल से वाबस्ता हैं। मैं यहाँ पे आपको सियासी तौर नहीं ले जाऊंगा, मेरी वो बातें जो भी थी सियासी तौर पे वो यहाँ पे मेरे मुअज़्ज़िज़ीन जो थे, मेरा शेर करगिल जिसको मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से लकब दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मैं जो लकब हाजी इनायत अली को आज पेश कर रहा हूँ ये लकब उस पे लग जाए, सज जाए और वापिस ना हो जाए। शेर करगिल जनाब हाजी इनायत एहतराम ईमान इस्लाम में कहते हैं दो चीजों के एतराफ को, कर्म और जिगर। एक इंसानियत से हम ईमान का इजहार करते हैं जो मैंने अभी किया, जबान से ईमान का इजहार किया। दूसरा होता है बिलकल्ब, यहाँ उलमा बैठे हैं, बिलकल्ब ईमान हमने लाया, जबान से ऐलान कर दिया। ईमान हमने लाया, दिल से इकरार करना है, कैसे करेंगे? तो जो हमारे दीन के उलमा, रूहानियत के पेशवा, हमारे बुजुर्गान दीन, उन्होंने कलम से एतराफ करने का एक तरीका निकाला कि जब एतराफ कलम करना हो, इकरार कलम करना हो, तो हम हाथ उठा देते हैं। हम हाथ उठाकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम दिल से और जहन से और तर्क जबान से इस बात का एतराफ करते हैं। तो क्या आप सारे लोग जो कारकर्दगियां, जो कार हाई नुमाया यहाँ मेरे शेर करगिल हाजी इनायतुल्लाह ने बयान करी, क्या आप सारे लोग उसे मुताबिक हैं? तो आशिकान हुसैन नाम लेवाई मौला, क्या आप पर यह अब जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस चीज का आपने एतराफ किया उसके अब आप एम्बेसडर्स हो जाओ, आप इस मिशन के सफीर हो जाओ, इस सच्चाई का प्रोपेगेंडा करो, इस सच्चाई को सामने लाओ, इस सच्चाई को लोगों तक ले जाओ, क्या ये आपकी दीनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप वो लोग नहीं हैं जो हमेशा कोफी गद्दारी को कोसते रहे हैं पिछले 1450 साल से? क्या हम वही नहीं? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वायहद को जिंदा साबित कर दे कि वफा करते हैं आका इनामदार के उम्मती आशिकान हुसैन करते हैं
मैं आपसे पूछता हूँ, जो तो गैर हो गए खानों के लिए जो बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूँ क्या कुरान हमें नहीं कहता है? मेरे उस्ताद मेरे रहबर ने मुझे कहा कि अगर कुरान मजीद 30 पारे नहीं आते, अगर सिर्फ सूरह असर आता ये भी अल्लाह की तरफ से काफी कलाम होता, अगर सिर्फ सूरह अल असर आता तो ये भी अल्लाह का कलाम हमारे ऊपर कंप्लीट होता, मुकम्मल होता। तो सूरह असर में क्या अल्लाह हमें नहीं कहता है कि बेशक सब लोग खसारे में हैं, इल्ला वो नहीं जिन्होंने ईमान लाया, जिन्होंने अमल सालिहा किया, तो बात खत्म हो जानी थी। इतना इस्लाम का इस्तेदलाल है कि वो लोग खसारे में नहीं होंगे जिन्होंने ईमान लाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल। लेकिन बारी अल्लाह ताला सुभानहू आगे बढ़े, वतवासो बिल हक, वतवासो बिल हक, जो सच्चाई का साथ दे तब तक भी वो खसारे में है। तो मैं चूंकि तंजीम से वाबस्ता हूं, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मैं हारा हुआ कैंडिडेट हूं। मेरी जिंदगी का जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हुआ होगा उसे आप पूछ रहे ना, जब मैंने प्रेसिडेंसी ले ली, जब मैं प्रेसिडेंट बना, जूनियर एसएम 220 रुपया तनख्वाह लेता था, मास्टर 220 रुपया तनख्वाह लेता था, स्टोर कीपर 220 रुपया तनख्वाह लेता था। मैंने इतने झंडे खाए हैं, इतनी जेल खाई है, इतनी मार खाई है, और जब छोड़ गया तो 45,000 रुपये ले रहे थे। इसलिए मैं तंजीमी आदमी हूं, तंजीमी की बात करूंगा। यहाँ पे मेरे देह प्रेसिडेंट, यहाँ पे बैठा हुआ आदमी प्रेसिडेंट है या नहीं है? हमने नेशनल को गालियां देने यहाँ नहीं आए, हम कांग्रेस को गालियां देने यहाँ नहीं आए, हम यहाँ आए हैं अपने सूरज की रोशनी को तेज करने के लिए, ताकि खुद वो चमक जाए। उन लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने कायद, अपने दोस्त, अपने साथी, अपने घर को इतना चमकाओ कि लोग खुद ब खुद इसकी रोशनी में निहार जाए। ये आज के कन्वेंशन का अहद है, ये रेजोल्यूशन। हाथ उठाएंगे और पहले सुनो क्यों उठाएंगे, पहले सुनो। हमने कश्मीर में, अगर आप हमारे हाथ कश्मीरियों के मापोगे, दाया हाथ बाएं हाथ से आधा इंच लंबा है। क्यों है लंबा? हमने सोचे समझे बगैर जरूर कर दिया, ये हाथ लंबा होता गया, ये छोटा होता गया, और कहीं खुदा हम पर बरसा। इसलिए पहले बात सुनो, इस बात का मुझे अहद दो, मुझे मैंने जो 60 साल की उम्र पार करी है, इनमें सबसे ज्यादा एक दो चार लोग होंगे जो मेरी उम्र से ज्यादा होंगे। इसलिए उम्र का ख्याल रखते हुए, मेरी बड़ी हुई उम्र का ख्याल, बुजुर्गी का ख्याल, एक अहद करते कि हम इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो यहाँ पनप रही है, जो यहाँ अभी कोशिश कर रही है, अभी पैरों के बाल नहीं चल रही है, इसको एक तनावर दरख्त बना देंगे। इस पे एक आहट कर हाजी इनायतुल्लाह को गाली, इनायत अली को गाली, वो लोग समझते हैं ना मैं किसकी बात करता हूँ। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, नहीं, मेरे डेढ़ दो से भी लगता है मैं किसका हामी, मैं पतला दुबला थोड़ी हूँ। हाजी इनायत अली को ही नहीं, मैं आपसे समस्कार की सीट मांगने आया हूँ। इनायत अली के पास तो क्वालिफिकेशन है, उसने अपना पर्चा पढ़कर आपको सुनाया, उसके बाद भी आप उसे मुतहशर नहीं करोगे, उसको प्रोपगेट नहीं करोगे, तो अल्लाह यहाँ पर भी शर्मिंदा हो जाओगे और वहां भी अल्लाह के कारना दरबार में भी शर्मिंदा हो जाएंगे अगर हम उसे धोखा करेंगे। और धोखा क्या है? अगर हम उसके मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का काम मैं महबूबा जी की तरफ से, जिसने मुझे यहाँ भेजा, शायद खुबानी लाने नहीं भेजा, वो बीज लाने नहीं भेजे। मेरे कल करकट के दोस्त आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, मेरा इशापी था, अली गुलाम है, राही है, रमन भाई है, बहुत सारे दोस्त है मेरे यहाँ।
जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ देख रहे हो पीडीपी को मजबूत करो, वही मुलाजिम अगर मुलाजिम है एक रीजन वो कहता है, उन्होंने मुझसे क्या बात करी, मतलब वो मुलाजिम है ना, मुलाजिम को आईन हिंद ने वोट देने का हक दिया है, वोट वो डालता है ना, डालता है मुलाजिम, वो कैसे डालेगा जब जलसे में नहीं आएगा, जब उसको पता नहीं होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर क्या है, कैसे वो डालेगा, हक और बातिल का फर्क वो कैसे करेगा। एक बातिल सा खौफ है, मुलाजिम जलसे में नहीं आ सकता, इसका घर में लात में डाल के वोट डालेगा। Then you have a right to vote. That is evident. क्या आपने पॉलिटिकल क्लास की बात सुनने के लिए जाना है, तब आप फैसला कर सकते हो। पीडीपी अवस और बातिल और हक का फर्क तब कर सकते हो। इसलिए ये मसले जो आप कह रहे हो हीरे, मैं मुलाजिम हूँ, मुलाजिम कोई गुलाम थोड़ी ना होता है, आपका हक है वोट डालने का, वोट डालने के अपने तरीके होते हैं। जितने यहाँ मेरे साथी रिटायर है, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मैं उनको दामनदारी करने आया हूं। अगर उनको कुछ भी लिहाज है कि खुर्शीद आलम ने हमारे लिए कुछ काम किया है, अगर सचमुच कुछ एहसास है, तो खुर्शीद आलम की तंजीम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दो। मैं तुम्हारा लीडर 35 साल रहा हूं, तुम लोगों ने मेरे नाम पर 50-50 दिन स्ट्राइक की है, आज भी खुर्शीद आलम तुमको आवाज देने आया है 200 मील दूर कि मेरी मोहब्बतों के शरीकेदार मेरी पार्टी का साथ दो, इस तंजीम का साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.